रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ नसरीन और आप देख रहे हैं 18 गुड। तो व्यूअर्स, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी स्पाइसी कीमा टिक्की। तो चले हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, मेरे पास ये कुछ मसाले हैं जिनको हम एक बॉल में इकट्ठा कर लेंगे। एक टेबल स्पून मेरे पास ये नमक है, ये हम इसमें डालेंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। इसे हम मसालों को इस तरह से मिक्स कर देंगे। इसे अब मैं साइड पे कर दूंगी। व्यूअर्स, ये मेरे पास 4 पाउंड कीमा है, इसे हम ग्राइंड करेंगे मसाले डाल के। एक अदद प्याज है, ये भी डालेंगे। और 2 टेबलस्पून ये अदरक लहसुन कुटा हुआ है, ये भी डालेंगे। 1 टेबलस्पून ये हरी मिर्चें कुटी हुई, ये भी डालेंगे। तो व्यूअर्स, मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी सबसे पहले ब्लेंडर के अंदर, 1 टेबलस्पून। मैं आधा आधा करके कीमे को ब्लेंड करूंगी, आधा अभी करूंगी क्योंकि ज़्यादा कीमा है तो इसमें एक दफ़ा डालने से नहीं होगा। आधा आधा डाल के हम करेंगे। और प्याज भी हम इसमें आधी डालेंगे, आधी दूसरे बाकी के कीमे में डालेंगे। आधा मसाला डाल देंगे इसमें। और आधा अदरक लहसुन डाल देंगे, आधी हरी मिर्चें, 1 अदद ब्रेड स्लाइस तोड़ के डाल देंगे हम इसमें। एक अदद अंडा डालेंगे, इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। अब मैं इसे एक बॉल में निकाल लूंगी। अब हम बाकी का कीमा भी इसी तरह पीस लेंगे। तो व्यूअर्स, अब मैं इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ। 1 टीस्पून सूखा पुदीना, इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। चलो, ये अच्छे से हमारा मिक्स हो गया है। अब हम इसकी टिक्कियां बनाते हैं। थोड़ा सा पानी हाथ को लगा के, इस तरह से हम बना लेंगे। और बना के एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो जनाब, ये मैंने सारी टिक्कियां बना ली हैं। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। तो मिलते हैं फिर 10 मिनट के बाद। तो व्यूअर्स, हमारे 10 मिनट हो गए हैं टिक्कियों को फ्रिज में रखे हुए। तो अब हम एक पैन में ऑयल डालेंगे। तो व्यूअर्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम टिक्कियों को फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट बाद हम इसकी साइडें फ्लिप कर देंगे।
चूल्हे को हम हल्का कर देंगे ताकि ये अंदर तक हमारी पक जाए। इस तरह से हम और डाल देंगे इसमें। आप इसे डीप फ्राई करें या शैलो फ्राई करें, ये आपकी मर्जी है। तो व्यूअर्स, आपने इनकी साइडें फ्लिप करते रहना है जब तक ये पक ना जाए, ये ना हो कि एक साइड से ही जल जाए। तो व्यूअर्स, हमारी ये टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। तकरीबन 12 मिनट लगे हैं इनको पकने में। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी इस तरह से। ये देखे मैंने निकाल ली है। अब मैं इसी तरह सारी बना लूँ, फिर मिलते हैं इसके बाद। तो व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार सी कीमे की स्पाइसी टिक्की रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।